दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया हो गए। दोस्तों, डाल्टनगंज के अंबेडकर पार्क का ओपनिंग हो गया है और फिलहाल मैं अभी इसी अंबेडकर पार्क में मौजूद हूं। तो जिस दिन ओपनिंग हुआ था उस दिन मैं कहीं और था, तो अभी मैं यहां पर आया हूं देखने के लिए कि कैसा है, पहले के जैसा है या फिर अभी और कुछ बढ़िया बन चुका है। तो हालांकि पहले झूला वगैरह वहाँ पर नहीं लगा था, लेकिन अब लग गया है और आगे यहीं पर एक दुकान भी लगा स्टॉल बनाया गया था दुकान खोलने के लिए इस पार्क में। सो फाइनली वो भी लग गया है, तो अभी हम आपको वो दुकान दिखाते हैं कहां पर लगा हुआ है और उसके बाद हम आपको वो झूला वगैरह दिखाएंगे कैसा लगा हुआ है। तो चलिए पहले हमको दुकान दिखाते हैं। तो ये सब दुकानें हैं जो यहाँ पर खोली गई है स्टॉल, और एक दुकान वहाँ पर खुल चुका है ऑलरेडी, यहाँ देख सकते हैं, और बाकी तो अभी फिलहाल बंद है। और कुछ डस्टबिन वगैरह यहाँ पर रख दिया गया है ताकि कचरा वगैरह इधर सब इसमें डालें। दोस्तों, ये पार्क बंद हो गया है, लेकिन ये उतना अच्छा नहीं बना है अभी तक, जैसा था पहले वैसा ही है और इसका ओपनिंग हो गया है। हालांकि यहाँ पर वैसा साफ सुथरा वैसा है नहीं यहाँ पे, और यहाँ पर जो स्मेल वगैरह बहुत सारा स्मेल भी आता है। पार्क साफ सुथरा होना चाहिए, यहाँ पर तो बहुत सारा गंदगी है, बहुत सारा महकता इधर अगल बगल, और जितना भी कचरा वगैरह होता है सब इसी यहीं पे इसी के अंदर आता है, बह जाता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, पार्क हमेशा साफ सुथरा रहता तभी लोग आएंगे, वरना नहीं आएंगे, घूमने थोड़ी आएगा कोई। और यहाँ पर लिखा हुआ है जनता को समर्पित हो चुका है ये पार्क, और यहाँ पर सबका नाम लिखा हुआ है, मेयर, डिप्टी मेयर, विधायक, सभी का वार्ड पार्षद, और नीचे लिखा हुआ यह संपत्ति आपकी है, इसे स्वच्छ और सुंदर बनाएं। लेकिन लिख तो दिया है स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे, लेकिन यहाँ के लोग जो है तो ये चीज़ फॉलो नहीं करते हैं, और जो चीज़ आप लिखोगे उसके अपोजिट यहाँ पर करते हैं। जैसे साफ करने के लिए लिखा गया है यहाँ पर, लोग और ज़्यादा गंदा करेंगे, हालांकि अभी ये साफ नहीं है, गंदा ही है और इसे और गंदा करेंगे। यहाँ देख सकते हैं डस्ट डस्ट है, पूरा गंदा है, गंदा देख सकते हो। और इसे और पार्क खुल जाने के बाद बच्चे यहाँ पर खेल कूद रहे हैं, खूब मस्ती कर रहे हैं, देख सकते हैं। अब इस पार्क में हमेशा चहल पहल बना रहेगा, और झूला भी लगा दिया गया है सब जगह। तो गाइस, इस पार्क का जो वाटरफॉल है वो भी चालू हो गया है। दोस्तों, अब आपको इस पार्क में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा, खासकर शाम को, क्योंकि शाम को ही वाटरफॉल चालू होगा और गाना बजेगा, तब आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा।